हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो विजिट करने से पहले एक बार गूगल ज़रूर कर लीजिएगा मुनस्यारी करके, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है, दिन के अभी लगभग बजने वाले हैं 12 और मैं जा रहा हूँ बगल में धमा लोगों के वहाँ। तो धमा का कहना है कि आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, धूप आई हुई है, तो कहीं नहाने चलते हैं करके। तो अब देखते हैं या तो नदी जाएंगे या फिर स्विमिंग पूल जाएंगे। तो ये वाला रास्ता ना मेरा शॉर्ट रास्ता है बगल में जाने का। ओए अपना निकल जाए यहाँ से, बस छोटे छोटे रास्ते खुद ही निकालने पड़ते हैं और यहाँ से जाने का खतरा भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे और ख़तरा ये है कि आजकल गर्मियों के दिनों ना सांप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो सांप भी हो सकते हैं ऐसी झाड़ियों में। कहाँ ला भाई दाम सिंह पन्यार कौन ना मैं पन्यार कौन जानो कौन अच्छी मेरे को कह रहा था नहाने जा रहे हैं और खुद ये ताई जी कह रहे हैं कि वो तो नहा रहा है। ए हमारा भतीजा है। हेलो चाचू, क्या कर रहा है चाचू? जीते रहे बेटा जीते रहे। क्यों मतलब ताल खरल दे ना चाल। चल बैठ खाया का नहीं। यही है वो इंसान जो मुझे कह रहा था कि नहाने जाते हैं और खुद नहा के आ रहा है बाथरूम से। फाइनली इतना लेट करने के बाद भाई साहब अभी खाना वाना खा के अब कह रहे हैं चलते हैं। अब मौसम में थोड़ा बदलाव होने लग गया है। प्लान है तो खाना भले जा खा, मतलब फसल की कौन लगी हुई है तू तो हैं। तो आज हम लोग अपाची से जाने वाले हैं, जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पूरी छाया आ चुकी है। तो आज का जो हमारा सफर होने वाला है वो हमेशा यहाँ का रहता था, आज यहाँ से ऊपर का होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा ऑफ रोड है। ओ सड़ा दी सड़ा दी डूंग में सड़ा दी गुड। ओ भाई साहब दल दल उतरू न बारिश के चलते ना आजकल रोड इतनी ख़राब हो गई है। ये वाली थोड़े दिन पहले मैं आया था तब तो मतलब इतनी ख़राब नहीं थी, ठीक ठाक थी, अब तो भयंकर वाली हो रही है। दो तीन जगह तो उतार दिया इसने, अब बस जैसा कहने लग गया चल चल। यहाँ पे नहाने वाला है, यहीं से हम जाएंगे वापस। हाँ पर है नहाने वाला कचार कचार। सुन लिया आप लोगों ने क्या करा, कचार कचार हो रहा नहीं जाते यार। ये तो छोटा ही है, एक बार तो सिंगल जा तो जा पा रहा नहीं जा पा रहा। गुड यार गुड पुर मालबाट घर दे लौंडा। ओहो लिगर 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 तेल गला तेल का। लास्ट में चुल बछन छाड़ देने बैंक पर मार ना आए में। कदी टाइम लगल बन में 4 घंटे दिन ना लग गया जिस दिन पिछले फेर पर आ कोख लगल। तो कितना खुश हो रहा है। तो ये जा रहे थे स्कूल के बच्चे दाफा के और वो कह रहे हैं ना कि आजकल जो स्विमिंग पूल है उसमें पानी नहीं भराया करके, और स्विमिंग पूल में पानी भरने में ही ना लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। जो ये है ये साक्षात इस भाई ने जो मना कर रखा है ना रोड देख के अब नहीं जा रहे करके। तू अपना रीजन बता मुझे, उसके बाद चल ले वापिस बता। पानी नहीं है उसमें, बस नहीं पानी तो है इतना मुझे पता है, बस भरना है। अरे बारिश आ रही है अभी पानी वैसे। कल चलेंगे इसका कल अब कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी
अब बढ़िया से धूप आ रही है और ये भाई साहब कैंसिल कर रहे हैं। खैर वहां जाके करेंगे भी क्या जब स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है। ओ भाई यकले जले ला मीना उन्हें जितने ही ऊपर को नहीं गए हम लोग, बारिश आने लग गई ये देखा, इसीलिए कह रहा था मैं तेरे को नहीं जाते नहीं जाते, सुनता ही नहीं है, ऐसे मौसम में कौन जाता है नहाने, अब लगा बारिश आने लग गई। बिरुवा को आप लोगों ने देख लिया होगा तो हम लोग बिरथी में पहुंच गए हैं, बाकी मैंने बिरुवा को ऊपर बुला रखा मगर आ नहीं रहा। कहा आया इधर दिन बेटी में बुझी से रहा। बीरू और राहुल आ गए थे रोड में तो थोड़ी देर हमने कैरम खेला, ये देखो पूरा पाउडर ही पाउडर लग गया है टी शर्ट में। और आज हम S23 अल्ट्रा का टेस्टिंग ही करेंगे, अंडर वाटर टेस्टिंग। कोई जरूरत नहीं है। क्यों यार? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? अभी लगे कल भी ना आया बीरवा बुटीक काट ले उदी बे, तो बिरुवा वहाँ जा रहा है, बोल रहा है उस वाले पत्थर से कूदूंगा करके, जा दी मैं। बिरुवा है उधर और राहुल जा रहा है यहाँ से अभी। अब राहुल कूदने वाला है, जा बिरुवा ऊपर, एक दो तीन, बहुत है पत्थर का डर लग रहा है, बस पत्थर खाए नहीं पता नहीं चल रहा है। अब पत्थर नहीं है इसमें, तो बिरथी झील का एकदम शांत सा पानी है देखिए। तो यार हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचते पहुंचते बारिश भी आ गई है और यहाँ पे बैठी है नानी, खा है खाने की, खा भात खा है, घ्यू खा है ना, घ्यूला खा है, अबू मटाया की बेली पे मणि मणिज है। और साथ ही देखिए ये गीठी की बेल भी देखिए, नीचे से ऊपर तक यहाँ रस्सियों तक अब छत में पहुँच चुका है ये वाला तो, और वहाँ पे करेली की बेल भी काफ़ी घनी सी हो गई है अब तो। नेहा देखो वहाँ से स्ट्रॉबेरी निकाल रही है ढूंढ ढूंढ के, और देखिए चिड़ियों से स्ट्रॉबेरी को बचाने के लिए ना चारों ओर से वो धोती का बाड़ लगा रखा है, दिखाओ है। और जहाँ हम लोग गए थे ना वहाँ देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कहते हैं ना जो होता है सही होता है, तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग समय पर आ गए थे वहाँ से। बाकी बिरथी में भी हम लोग लगभग 10-15 मिनट रुके होंगे, और नहाने जाते तो मतलब ये पक्का था कि हम भीग जाते। तो फिलहाल मैं अभी दादा के घर में आया हुआ था बैठने के लिए, और बाहर देखिए अब बारिश बहुत तेज आने लग गई है, और साथ ही इसी बरसात के साथ ना जो मध्यम मध्यम हवा चल रही है तो पेड़ भी ऐसे बढ़िया से लहरा रहे हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। और वहाँ पे हमारा है पॉली हाउस जिसकी ना खिड़की आज खुली रह गई है, तो एक बार मैं पॉली हाउस जाता हूँ और खिड़कियाँ बंद करके आता हूँ। तो बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो पॉली हाउस के बगल में हमारा ये गोबर गड्ढा है जिसके ऊपर लगाए हुए हैं टिन, तो यहाँ पर बैठ गया हूँ मैं थोड़ी देर के लिए।
तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अभी अपने पॉली हाउस के अंदर, जहाँ हमारे चाचा ने लगा रखे हैं खूब सारे शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन और भिंडी, साथ ही लगा रखी है करेला। तो इस वाले पॉली हाउस में ना सबसे ज़्यादा काम इस बार हमारे चाचा ने कर रखा है, उससे पहले मम्मी करते थे, और जब से मम्मी के पैर में चोट लग गई है ना, तो ये सारा कारोबार चाचा ने ही कर रखा है। जितना भी यहाँ साग सब्जी गुड़ाई निराई जो जो भी होता है ना, वो सब चाचा ने कर रखा है। तो चाचा भी हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जब अभी मैं पॉली हाउस आया ही हूँ, तो चार पांच शिमला मिर्च भी ले जाता हूँ सब्जी के लिए। वैसे अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं हो रहे, छोटे छोटे हो रहे हैं। तो इस ठंडे ठंडे मौसम में घर पहुँचते ही मेरे को मिल गई है गर्मा गर्म चाय, तो एक बार चाय पी लेते हैं। अजवाइन और काली मिर्च वाली चाय अलग ही स्वाद देता है। चाय पीते पीते एक गाना याद आ गया, चाहा कोमल आयो चाहा पति ने मेरे बकस कल तोड़ो पैसे यकने कौन लगा तुम गाना, चल बाप तम गा। ओ यो तो ये देखा आप लोगों ने पहाड़ों में कितनी मेहनत है यार, ऐसी बारिश में भी खेत गुड़ाई का काम चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।